Hello guys, what's up? So this is Sumit. नहीं नहीं बोलो भाई पर एक टक्कर भाई साहब ये किस लाइन में आ गया हाँ किस लाइन में आ गया मैं बना रहा हूँ व्लॉग फॉर ऑल ऑफ यू मैंने सोचा कि ये छोटा सा मोमेंट क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए डेफिनेटली इट्स नॉट लाइक इट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ माई लाइफ बट येस डेफिनेटली समथिंग विच आई कैन शेयर विथ यू गाइज तो सोचा मैंने क्यों ना व्लॉग्स बनाऊँ बिकॉज आई नो हाउ मच यू गाइज लव मी हाउ मच यू गाइज वॉन्ट मी टू डू दिस सो दिस इज जस्ट माई फर्स्ट व्लॉग फॉर यू गाइज एंड दिस व्लॉग इज अबाउट हाउ आई गॉट माई फर्स्ट बिग बाइक Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, 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 go. हेलो गाइज व्हाट्स अप आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग कंप्लीटली फाइन और मैं हूँ पुणे में और आई एम हियर टू कलेक्ट माय फर्स्ट बिग बाइक अभी मजा आएगा ना भिड़ो एंड आई एम विद माय डैड ओपा हाय कैसे वाटते कि अपन बाइक घ्यायला चलतो आता वाटतं एकदम छान वाटतं की छान वाटतं बेस्ट असं नाही वाटलं की फारच जास्त खर्च करतोय तुमचा मुलगा नारायण का आशीर्वाद सब नारायण कर रहे हैं हम क्या नारायण के दिल में आ रहे हैं तो क्या सब पॉसिबल है सब पॉसिबल है देखो दैट्स माय डैड गाड़ी और ज्यादा और दूसरी गाड़ी खरीदेगा हाँ ये हुई ना बात खर्चे कर सो यू नो माय सेंस ऑफ ह्यूमर ये कहाँ से आता है इट्स फ्रॉम हिम राइट सो लेट्स सी आई एम वेरी एक्साइटेड यहाँ से इसके आगे हमें ड्राइव करके जाना है टिल उमरगा बाइक आते ही हम लॉन्ग राइड के लिए निकल रहे हैं बिल्कुल भी देरी नहीं करी किसी चीज में सो अभी हम पहुँचने जा रहे हैं शोरूम में एक 10 मिनट में तो मैं आपको मिलता हूँ फटक से कि हम ऐसे करेंगे फटक से हो जाएगा देखिए यहाँ अंदर मेरी गाड़ी है और जैसे ही हमने ट्रायम्फ के शोरूम में एंटर किया राधा कृष्ण के सॉन्ग बज रहे थे थ्रू आउट द प्रोसेस राधा कृष्ण के सॉन्ग उन्होंने बजाए थे और मेरे वेलकम के लिए सब लोग बहुत अच्छे से रेडी होके आए थे एज सून एज आई सॉ माय बाइक जो ढकी हुई थी आई आस्क देम क्या मैं अब लेके जा सकता हूँ उन्होंने कहा कि नहीं यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है थोड़ा पेपर वर्क बाकी है सो हम लग गए वो करने हमारे राधा कृष्ण के गाने बज रहे हैं स्क्रीन दिख रही है थैंक यू सो मच गणेश फॉर दिस मोमेंट वी इधर तीन गाड़ा घेतो चाललोय उमरगावला तो पेपर वर्क किया फिर उसके बाद मैंने पूछा कि क्या अब मैं बाइक ले सकता हूँ तो मैंने कहा नहीं थोड़ी और फॉर्मेलिटीज बाकी हैं तो तब तक आप प्लीज़ सर घूम लीजिए ट्रायम्फ के हमारे शोरूम में दे वर लॉट ऑफ पीपल देयर ट्रायम्फ के क्रू मेंबर्स दे वर वेरी स्वीट दे वर ईगर टू मीट इवन आई वाज वेरी एक्साइटेड टू मीट देम हम सभी से मिलते हैं तो हमारे ट्रायम्फ के शोरूम में मिलते हैं गणेश से गणेश प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आई एम गणेश टेकिंग केयर ऑफ द सेल्स रोल एंड आई हैव अ वेरी गुड बियर्ड Hi, Nidhi. Thanks for the service. Hello, sir. I'm Rohit Khatri from Rohit Tram. I take care of the marketing part. And thank you so much for giving us a chance to serve. Hey, I'm very glad to be a part of this.
बहुत अच्छा आप लोगों ने बनाया मेरे लिए, इतना ग्रैंड वेलकम, इतने सज धज के आए हो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, इट फील्स वेरी गुड जो ऐसा कोई वेलकम करता है, तो डेफिनेटली रिमेंबर दिस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो अब मैंने कहा कि क्यों ना बाइक ली जाए और अब चलाई जाए, चलो आके अभी बाइक देखें या कुछ बाकी और थोड़ा और सस्पेंस। मैंने और पापा ने बाकी बाइक्स ट्राई की, फाइनली उन्होंने कहा कि सर क्या हम अनवीलिंग कर लें। जब हमने बाइक को देखा मैं तो बहुत खुश हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बाइक। उन्होंने बाइक पे मोरपंख लगाया था, मोरपंख के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया, एंड लुकिंग एट द बाइक आई वाज लाइक वाओ, मेरे पापा भी खुश थे, मेरा भाई खुश था, मेरे दोस्त खुश थे, इट वाज लाइक आप वीडियो में देख सकते हैं कि सबके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल है। अभी बाइक को हमने देख लिया था, अनवीलिंग हो चुकी थी, सो अब हमने स्वागत किया इस बाइक का हमारी फैमिली में उसकी पूजा करके। खुशी के मारे सबको मिठाई बांट रहा था, सबको खुश देखने में और खुश हो रहा था, और आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, मैंने सबको मिठाई बांटी, सबने खाई, मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैं बहुत एक्साइटेड, मैंने अपने राइडिंग गियर्स डाल लिए एंड नाउ वॉज द टाइम टू टेक माई राइड ऑन द स्ट्रीट एंड टू हैव माई फर्स्ट लॉन्ग जर्नी. सो इज प्रेपिंग फॉर इट और अभी हम वीडियो में भी यही करेंगे. विल गो ऑन द बाइक, टेक इट ऑन द स्ट्रीट, बट रील्स वाले अंदाज में. ब्राउन मुंडे Sometimes crossed myself too. I stopped a couple of times, I adored the nature's beauty, I got uncomfortable in the traffic too. I saw the sun leaving my side, I saw the winds making me alive too. I stumbled upon the speed breakers and my thoughts at the same time, wondering how similar is life to this journey. Surprised to see the vastness of life, surprised to see the beauty of sadness, mediocrity of happiness. Surprised to see the journey isn't good or bad, it's just a journey. Either he grant us, or we create a good perception for ourselves. That's all I seek for now. That's all I seek for now. Amen. Thank you.
So